दिल्ली में भारी बारिश और उससे उपजे हालात के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने क्या लिखा है और उन्होंने अमित शाह से क्या मांग की है बताएंगे आपको। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रोहित कांडपाल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लिखे अपने पत्र में यमुना के बढ़ते जल स्तर के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई, यहाँ यमुना में जल स्तर बारिश की वजह से नहीं बल्कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से बढ़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने अमित शाह से मांग की है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से सीमित स्तर पर ही पानी छोड़ा जाए ताकि दिल्ली में यमुना का जल स्तर और न बढ़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि कुछ हफ्तों में दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है, देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के जल स्तर ने साल 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 45 साल बाद पहली बार यमुना का पानी 207.55 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि साल 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर था। दिल्ली में भारी बारिश से हालात काफी चिंताजनक हो चुके हैं। दिल्ली के निचले इलाके जहाँ बाढ़ में डूब चुके हैं वहीं कई इलाके जलमग्न हैं। इस पूरे मामले में सियासत भी खूब हो रही है, जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को बदहाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं आपका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री जनता के साथ ग्राउंड जीरो पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।